हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे पार्ट फोर डिस्कस करूंगा लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल्स का। तो जैसे प्रीवियस वीडियोस में आपसे ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड शेयर किया था, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अदर लेक्चर्स के लिए प्रिपरेशन रूट्स पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मेरे पे दो इक्वेशंस हैं जो मेरे को सॉल्व करनी है। इक्वेशन का पैटर्न है ई वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। आप इस फॉर्म में इक्वेशन को रिड्यूस कर दीजिए। अब इनका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट है, एक्स इज इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू वाई सी वन ए टू एंड सी टू ए वन माइनस सी टू ए वन इज इक्वल टू वन ए टू बी वन माइनस ए टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब ये फॉर्मूला कैसे आप याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक है, एक्स वाई और वन लिख लीजिए। स्टार्ट क्या करेंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन का, पहले फर्स्ट इक्वेशन का लिख लीजिए, बी से स्टार्ट कीजिए, बी वन सी वन, बी वन आप कैसे प्रोसीड करेंगे, बी वन से सी वन, सी वन से ए वन एंड बी वन, बी वन सी वन ए वन बी वन। ओके, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए बी टू सी टू ए टू बी वन। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी वन सी टू इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस बी टू सी वन, फर्स्ट ये सेकेंड ये। वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी टू सी वन ए टू, पहले ये वाला एरो, आप हमेशा राइट वाला प्रोसीड करेंगे, राइट और फिर लेफ्ट, सी वन ए टू एंड सी टू ए वन, ए वन बी टू एंड ए टू बी वन। ये वन वाली वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई एंड वन वाली वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता चल गया फॉर्मूला है, अब आइए इनसे रिगार्डिंग देखते हैं न्यूमेरिकल कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं। मेरे पे इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी एंड सिक्स एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू फोर्टी। तो मैं इसे पहले इस वाली फॉर्म में लिखूंगा जिससे कि मेरे को एक्स की वाई की और वन वाली वैल्यू निकालने में इजी हो जाए। अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फर्स्टली मैं उसी से प्रोसीड करूंगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई वन, सेकेंड जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखिए, वहां पे प्लस था, यहां पे आपका प्लस था, इस वैल्यू में प्लस है आगे, प्लस प्लस प्लस। मेक श्योर आपको कोफिशियंट की वैल्यू का ध्यान देना होगा कि आगे अगर माइनस है तो आप माइनस वाली वैल्यू लेंगे। तो पहले मैं क्या लूंगा, माइनस फाइव बी वन से स्टार्ट होता है, माइनस ट्वेंटी, फिर लिखूंगा थ्री एंड माइनस फाइव, ये मेरा एक्स फर्स्ट इक्वेशन हो गया, माइनस टेन माइनस फोर्टी सिक्स एंड माइनस टेन, ये मैंने कर दिया है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला एरो मल्टीप्लाई माइनस ये वाला, वाई के लिए ये वाला, फिर ये वाला और वन वाली वैल्यू के लिए ये वाला एंड देन ये वाला। तो एक्स की वैल्यू के लिए कैसे देखेंगे, माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फोर्टी माइनस माइनस टेन मल्टीप्लाई माइनस ट्वेंटी। अब y के लिए क्या देखेंगे, माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई सिक्स माइनस थ्री इंटू माइनस फोर्टी। वन के लिए क्या देखेंगे, वन के लिए आ रहा है माइनस थर्टी थ्री इंटू माइनस टेन माइनस माइनस फाइव इंटू सिक्सटी, माइनस फाइव इंटू सिक्स, सॉरी नॉट सिक्सटी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टू हंड्रेड माइनस 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 प्लस टू हंड्रेड। वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन ट्वेंटी माइनस, ये है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा दिस, और वन वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थर्टी, ये माइनस थर्टी और माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पे वाई की वैल्यू भी नहीं आ रही है कोई और एक्स की भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो इस केस में हमारा कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सोल्यूशन। तो मेरे को चेक करना चाहिए कि क्या मैं सही प्रोसीड करा है या नहीं। तो क्या करेंगे, ए वन
by a2 is equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2. अगर ये condition fulfill हो रही है, that means इसमें no solution आएगा. तो a1 क्या है मेरा 3, a2 है मेरा 6, ये है मेरा minus 5. मैंने पहले ही equal लगा दिया है, फिर बाद में अगर in case equal नहीं होगा तो हम cancel out कर देंगे. minus 10 is equals to minus 20 divided by minus 4. अब आप देखिए 1 by 2, ये माइनस से माइनस कट गया, 1 by 2, और ये मेरा आ रहा है 20 by, ये मेरा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है. पर यहां पे मेरा ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि ये भी हाफ आ रहा है. दैट मींस मेरा a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 आ रहा है. मींस नो सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो केस होता है जब एक ही लाइन हमारा एक ही लाइन ड्रॉ होता है. लाइक आपका ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये सेम ही लाइन होगा. कैसे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20. यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 40, तो ये मेरा 20 आ गया. तो डेट मीन्स 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20. यहां जब ये कैंसिल आउट हुआ, मैंने आपसे पहले शेयर करा कि नो सॉल्यूशन है, पर जब हमने सॉल्व करा तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. डेट मीन्स ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है जो कि मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस फॉर्म होता है. डेट मीन्स यहां पे एक्स और वाई का मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इन दो इक्वेशंस में, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन मेरी सेम है. ओवरलैप कंडीशन हो जाएगी दोनों लाइनें जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे. सपोज ये मेरी लाइन फॉर्म हो रही है तो यही लाइन दूसरी लाइन भी मेरी इसी पे ही फॉर्म होगी. तो ये ओवरलैपिंग का केस हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मेरा प्रॉपर आंसर है. फर्स्टली इसमें नो सॉल्यूशन लेने का क्या मैटर था कि मेरा यहाँ पे x का भी वैल्यू नहीं आ रहा है, y का भी वैल्यू नहीं आ रहा है. पर कंडीशन सेकेंडली इसीलिए हमने चेक करा कि ये नो सॉल्यूशन केस बन रहा है या नहीं, पर देखा ये नो सॉल्यूशन का केस नहीं बन रहा है, ये मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन रहा है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. तो इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हम अप्रोच कर सकते हैं. सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं. इसमें बोला है कि मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और मेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है. आप इसे क्रॉस से भी कर सकते हैं, पर मैं इसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि मेरा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मैं डायरेक्टली इसे इस कंडीशन से ही सॉल्व करूंगा. अब मैं इसमें कंडीशन कैसे चेक करते हैं, मैं इसे इस फॉर्म में लिख देता हूं और ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म. अब ए वन की वैल्यू क्या है, 2. ए टू की वैल्यू है a माइनस बी इज इक्वल्स टू, बी वन की वैल्यू है 3, बी टू की वैल्यू है a प्लस बी, सी वन की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है मेरी माइनस, ये माइनस है 3a प्लस बी माइनस 2. ये मैंने फॉर्म लिख दी है, अभी आ गया. अब मैं क्या करूँगा, पहले इन दो को लेता हूँ. तो ये क्या होगा मेरा 2 a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी. यहाँ से क्या होगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b. तो यहाँ से मेरा निकल के आता है क्या कि a का वैल्यू है मेरा 5b. अब मैं सेकेंड केस में लूंगा इन दो को, इन दो को ले सकता हूं या फिर मैं इन दो को ले सकता हूं. अब मैं लेता हूं, मैं ये वाला ले लेता हूं, 2 डिवाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3a प्लस बी माइनस 2. ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. तो a क्या b इधर आ जाएगा मेरा 9b माइनस 4 इज इक्वल टू a. तो 9b माइनस a इज इक्वल टू 4. अब a का वैल्यू क्या है मेरा 5b,
तो यहाँ से 9b माइनस 5b इज इक्वल्स टू 4, 4b इज इक्वल्स टू 4, तो b का वैल्यू क्या आ गया मेरा यहाँ से 1। अब जब मेरा b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या है विच इज इक्वल्स टू 5b, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकता हूँ 5, तो a का वैल्यू आ गया मेरा 5 और b का वैल्यू आ गया मेरा 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मेरा थोड़ा हो जाता, उससे भी हो जाता, वो थोड़ा एक्टिव होता, पर मैंने जैसे ही आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करा है इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन का, कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, मैंने डायरेक्टली वो अप्लाई कर दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। सॉल्यूशन देखते हैं। मेरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मेरा फॉर्म होता है न्यूमिरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। मेरा फ्रैक्शन ऐसे फॉर्म होता है, मैंने न्यूमिरेटर ले लिया है x और डिनोमिनेटर ले लिया है मैंने, डिनोमिनेटर हो गया मेरा y, तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो गया x बाय वाई। केस वन देखते हैं। केस वन बोला है मेरे को फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो गया है जब मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करा है न्यूमिरेटर से, मींस ये मेरा फर्स्ट केस हो गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 3x-3 इज इक्वल टू वाई, 3x-y-3 इज इक्वल टू 0, ये मेरा वैल्यू आ गया। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन मेरा हो गया 1/4 जब मैंने 8 ऐड करा है डिनोमिनेटर से, तो x डिवाइड बाय y बाय 8 1/4, 4x इज इक्वल्स टू y बाय 8 y प्लस 8, तो 4x-y-8 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पे दो इक्वेशन हो गई हैं, मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूँ, 3x-y-3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x-y-8 इज इक्वल्स टू 0। अब आपसे जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला शेयर किया था x का y का, x की वैल्यू लिखी थी मैंने ये b1c2-b2c1, ऐसी मैं y की वैल्यू लिखी है c1a2-c2a1। अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहां पे x इज इक्वल्स टू, होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये वैल्यू कैसे आई है, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं मैं, आपका सम टाइम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां यूज हो जाता है जहां आपको वैल्यूज निकालनी है, लाइक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ए और बी का, उस केस में क्या होता है ये वाला जो कोफिशिएंट है, ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी फ्री फ्रॉम एनी वेरिएबल हो जाता है, तो डायरेक्टली मेरा वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। अब मैं एक्स का वैल्यू लिखता हूं, एक्स क्या हो जाएगा मेरा b2c1, b2 है मेरा -1 और c2 है मेरा -8, तो -1 × -8 माइनस b2c1, b2 है मेरा -1 और c1 है मेरा -3, तो -1 × -3, y की वैल्यू हो जाएगी c1a2, c1 है मेरा -8 और a2 है मेरा c1 है मेरा -3 और a2 है मेरा 4, माइनस C2 है मेरा -8 और C1 है मेरा 3। अब मैं ये लिखूंगा, A1 है मेरा 3 और B2 है मेरा -1 माइनस A2 है मेरा 4 और B1 है मेरा -1। अब इसे सॉल्व करता हूं मैं, 8 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बाय ये, y की वैल्यू आ जाएगी -12, ये -24 और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +24 और 1 के नीचे क्या आएगा -3 और ये हो जाएगा मेरा +4, तो y का वैल्यू x का वैल्यू हो जाएगा x बाय 5, y का क्या आ जाएगा -12 + 24, तो ये हो जाएगा मेरा 12 और ये मेरा 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बारी x बाय 5 को मैं 1 के इक्वल कर सकता हूँ और एक बारी y बाय 12 को 1 के इक्वल कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 12, ये मेरा
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमेरिकल था। अब मैंने आपसे तीनों मेथड शेयर कर लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारे तीनों मेथड हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। और ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने जैसे तीनों मेथड आपसे शेयर करे हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इक्वेशन का रिडक्शन शेयर करूंगा कि कैसे इक्वेशन को रिड्यूस किया जाता है सिंपल फॉर्म में, एंड देन उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अपकमिंग लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें प्रिपरेशन रूट्स, एंड प्रीवियस लेक्चर के लिए भी सब्सक्राइब करें प्रिपरेशन रूट्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस।